हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्री टाइम लाइन। फ्रेंड्स, आज हम एग्रीकल्चर के टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में जानेंगे जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है, मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, लैटिन भाषा के सोलम से मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, CHO पौधों का प्राप्त होते हैं वायु व जल से। यानी यहाँ पूछा जा रहा है CHO कहाँ से पौधे को प्राप्त होता है, तो वायु और जल से प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त तापमान होता है। तो दोस्तों, अधिकांश फसलों के लिए कितना, 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो उपयुक्त रहता है। चौथा क्वेश्चन है, मृदा के आयतन में कितने प्रतिशत ठोस पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों, 50%, जिसमें से खनिज पदार्थ 45% और जो कार्बनिक पदार्थ है वो 5% पाए जाते हैं। इसके बाद में मृदा के खनिज पदार्थों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो सिलिका पाया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां नंबर, मृदा में कार्बनिक पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं। तो पौधों व पशुओं के अवशेषों से जो कार्बनिक पदार्थ है ये मृदा में पाए जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है, ह्यूमस का रंग कौन सा होता है। तो दोस्तों, ह्यूमस का जो रंग है वो प्रायः काला होता है, ये सब जानते होंगे आप। इसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन है कि मृदा का मुख्य घटक होता है सिल्ट और या फिर दोमट होता है। मृदा का मुख्य घटक सिल्ट या दोमट होता है। नौ क्वेश्चन है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता यानी कि WC वाली मृदा होती है क्ले, जिसे हम मृत्तिका कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता वाली मृदा होती है। दसवां क्वेश्चन है, मृदा में पोषक तत्व प्रदान करने वाला भाग कौन सा होता है और इसे क्या कहते हैं। तो उसे हम मृत्तिका के नाम से जानते हैं और मृत्तिका कहते हैं। इसके बाद है कि पादप पोषक तत्व वो उसके सूचक पौधे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, नाइट्रोजन तो फूल गोभी और पत्ता गोभी में, फॉस्फोरस तोरिया में, के है वो आलू में, पोटेशियम, और इसके बाद जो कैल्शियम है ये फूल गोभी पत्ता गोभी में, मैग्नीशियम आलू में, FE जो कि फूल गोभी में पत्ता गोभी में आलू में और जई में, NA चुकंदर में, और MG है ये चुकंदर और जई में होता है पादप पोषक तत्व। और उसके जो सूचक पौधे होते हैं, मतलब इस समय ये जो पौधे हैं जब इनको ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, तो ये सूचित करते रहते हैं कि भाई कि नाइट्रोजन की हमें आवश्यकता है, हमें नाइट्रोजन आप दे कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों अपने सभी एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।